नमस्कार मित्रों, आज के युवा की एक बड़ी समस्या है शारीरिक रूप से कमजोरी। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज का हम यह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। जब शारीरिक शक्तिहीनता में किसी का शरीर अत्यंत कमजोर हो जाता है, शरीर की हड्डियां दिखाई देने लग जाती हैं, गाल अंदर की तरफ चिपक जाते हैं, आंखों के आसपास गड्ढे पड़ जाते हैं और महिलाओं में स्तन और नितंब बिल्कुल सूख जाते हैं, तो यह सब शारीरिक कमजोरी की निशानी होती है। इस कमजोरी के कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोई लंबी बीमारी, अल्प भोजन, किसी वेग को रोकना, अत्यधिक मैथुन, चिंता, भय आदि मानसिक क्रिया का अत्यधिक मात्रा में होना। शारीरिक रूप से कमजोर होने का सबसे बड़ा कुप्रभाव है आत्मविश्वास का अभाव होना। इससे पीड़ित व्यक्ति खुद को हीन भावना से ग्रस्त पाता है, साथ ही बीमारी की चपेट में भी वह काफी जल्दी आ जाता है और अन्य शारीरिक रूप से बली लोग उस पर अपना जोर चलाने का प्रयास करते हैं। यदि कोई भी पुरुष और महिला इस समस्या से पीड़ित है, तो आज हम आपको 7 ऐसे प्रभावशाली प्रयोग बताएंगे, घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनका प्रयोग करके ना केवल आप अपनी शारीरिक कमजोरी को दूर कर पाएंगे, बल्कि यदि आप किसी प्रकार की मानसिक कमजोरी से भी पीड़ित हैं, तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होगी। पर इन प्रयोगों को करने से पहले आप एक चीज का ध्यान अवश्य रखिएगा कि आपकी पाचन क्रिया तंदुरुस्त हो, क्योंकि हम जो भी चीजें आपको बताएंगे वह यदि आपका शरीर पचा ही नहीं पाएगा तो उन चीजों को प्रयोग करने का क्या फायदा। तो यदि आपकी पाचन क्रिया किसी कारण के चलते प्रभावित रहती है, तो आपको पहले उसको ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए, तत्पश्चात ही इन नुस्खों की तरफ आप आगे बढ़िए। इसके अलावा यदि आपकी पाचन क्रिया ठीक भी रहती है, तब भी आपको यह सलाह दी जाएगी कि इन प्रयोगों के साथ आप किसी अच्छे लीवर टॉनिक का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दर्शकों, नुस्खों की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर उससे पूर्व आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा। 7वां प्रयोग मेरा अनुभूत प्रयोग है। यह प्रयोग मैंने कम से कम लगभग 100 से ज्यादा मरीजों के ऊपर आजमा कर देखा है और मुझे काफी अधिक इसमें सफलता की प्राप्ति हुई है। तो आप 7वें प्रयोग को अवश्य ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला नुस्खा, जो यदि आप विशेष तौर पर सर्दियों में प्रयोग करेंगे तो आपको अधिक लाभ देगा, वो है बबूल के गोंद को घी में तलकर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सुबह शाम 10 से 15 ग्राम की मात्रा में आप गर्म दूध के साथ लीजिए। इससे ना केवल आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी, बल्कि आपके शरीर में वीर्य और रक्त की भी वृद्धि होगी। अगला आसान प्रयोग, इसके लिए आपको 1 से 2 पके अंजीर लेने हैं और बराबर मात्रा में उतनी ही सौंफ लेनी है। फिर रात को इन्हें पानी में भिगो दीजिए। सुबह उस पानी को गिराकर इसे अच्छे से चबा चबा कर नियमित रूप से आप 90 दिनों तक खाइए। इस प्रकार आपके शरीर में नया रक्त बनेगा और आपकी सारी शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाएगी। अगला प्रयोग, इसके लिए आपको आवश्यकता होगी लगभग 100 ग्राम सफेद मूसली के पाउडर की, 30 ग्राम विधारा मूल पाउडर की और 100 ग्राम मिश्री की। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए, फिर सुबह शाम 8 से 10 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन कीजिए। देखिए फिर कैसे चुटकियों में आपकी शारीरिक कमजोरी दूर होती है। चौथा प्रयोग, इसके लिए आपको सुबह शाम लगभग 0.5 ग्राम ममीरा दूध के साथ लेना है। या किसी भी प्रकार की कमजोरी, विशेष तौर पर यदि किसी बीमारी के बाद उत्पन्न कमजोरी को यह बड़ी जल्दी दूर कर देता है और ना केवल यह शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, बल्कि इसके सेवन से व्यक्ति का पाचन संस्थान और मूत्र संस्थान की कमजोरी को भी यह दूर करता है। 5वां प्रयोग, इसके लिए आपको नियमित तौर पर मखाने की खीर का सेवन करना है और उस खीर में आप मुनक्के और बादाम का प्रयोग भी कीजिए। इस खीर का नियमित सेवन ना केवल आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि करेगा, बल्कि आपके वीर्य को भी पुष्ट, गाढ़ा और शक्तिशाली बनाएगा। 6वां प्रयोग, यह प्रयोग भी आपको विशेष तौर पर सर्दियों में करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रयोग सर्दियों में काफी शीघ्र आपको प्रभाव दिखाएगा और लाभ भी आपको काफी अधिक देगा। इसके लिए आपको लगभग 2 से 3 छुहारों की आवश्यकता होगी, 5 से 6 बादाम, 8 से 10 मुनक्का आपको चाहिए।
अब आपको मखाने की खीर की तरह दूध में खूब अच्छे से इनको उबालना है। फिर अच्छे प्रकार से चबा चबा कर आप रोज इनका सेवन कीजिए तो ना केवल आपकी शारीरिक कमजोरी दूर होगी बल्कि जोड़ों का दर्द, रक्त की कमी, स्नायुओं की दुर्बलता और सेक्सुअल पावर को भी यह बढ़ाता है। यह अकेला उपाय इतना अधिक प्रभावशाली है कि इसके लिए एक अलग से वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। सातवां और अंतिम प्रयोग, यदि मैं कहूं जिस प्रयोग पर मुझे सबसे अधिक विश्वास है तो वह यह है। इसके लिए आपको 90 दिनों तक बराबर मात्रा में अश्वगंधा, सतावर और सफेद मूसली के चूर्ण को मिलाकर 10-10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गर्म दूध के साथ सेवन करना है। नियमित तौर पर यदि आप इसका सेवन करेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको लाभ अवश्य ही होगा। और यदि आप इसको और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आप इन तीनों के मिश्रण को घी में सेक लीजिए। तत्पश्चात इन तीनों के वजन के बराबर मिश्री आप इसके अंदर मिला लीजिए। फिर रोज 15 से 20 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम इसका सेवन कीजिए आप गर्म दूध के साथ। आपको और अधिक जल्दी से लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यदि आपके मन में अभी भी किसी प्रकार की शंका है, सवाल है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। मैं यह जल्दी से जल्दी प्रयत्न करूंगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।